बूमकॉइन जो कि लॉन्च होते ही बहुत ज्यादा पंप हुआ था, हालांकि इस प्रोजेक्ट में कोई खास चीज नहीं है, लेकिन फिर भी 1300% से भी ज्यादा प्रॉफिट इसमें देखने को मिला और इसका जो मार्केट कैप के हिसाब से रैंक था वो रैंक भी बहुत ऊपर आ गया था, ऑलमोस्ट 67 रैंक के आसपास आ चुका था। लेकिन करंटली अगर हम बात करें तो ये 125 रैंक तक पहुंच चुका है, इसका मार्केट कैप लगातार कम होता जा रहा है। तो मीम कॉइन्स, जो ऐसे मीम कॉइन्स आते हैं मार्केट में थोड़ी सी देर के लिए आते हैं, जैसे कि पेपे कॉइन आया था, बॉन्ग कॉइन आया था, लेकिन उनके साथ भी कंपेयर करें तो वो अभी भी थोड़ा बहुत स्टेबल चल रहे हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट, बॉन्ग कॉइन बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। तो इस वक्त हमें कौन से मीम कॉइन्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनकी बात आज हम वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि आपको खुद पता है कि ऐसे मीम कॉइन्स हैं जो आज भी उन्हीं रैंक्स के ऊपर अभी भी पड़े हैं और उनके ऊपर कुछ ना कुछ ट्वीट्स, कुछ अच्छी अपडेट्स आती ही रहती हैं, जिसकी वजह से उनका मार्केट कैप स्टेबल है, वॉल्यूम 24 आवर्स का हमेशा बढ़ता चढ़ता रहता है और इसी के साथ उनका प्राइस भी बहुत अच्छा स्टेबल रहता है, प्रॉफिट्स भी रेगुलर मिलते रहते हैं, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बूम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो बुक ऑफ मीम के नाम से कॉइन था, इसी के साथ साथ हम बाकी मीम कॉइन्स की भी बात करने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की बात करें तो शिप के बारे में बात करी गई थी, इथेरियम के जो विटेलिक बिट्रेन है उन्होंने बात करी कि शिप बहुत ही ज़्यादा हाईली अनएक्सपेक्टेड वैल्यू एंड आउट परफॉर्म किया है। तो ये थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहना, लेकिन चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, वॉफ्ड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑलरेडी वहाँ पे मैंने एक कैंपेन डाला है, कैंपेन क्या है कि यहाँ पे हम $10 का पहले भी एक एयरड्रॉप दे चुके हैं, अभी $5 का स्पेशल मैं कैंपेन चला रहा हूँ जिसमें एयरड्रॉप देने वाले हैं $5 का। तो ये सारे हमारे वॉफ ट्रेडर्स को मिलने वाला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पे मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, अपना बिटमार्ट के ऊपर अभी से साइन अप करके यूआईडी कमेंट कर दो या वॉल्फ्टेड डिस्कस के नाम से हमारा ग्रुप है वहां पे डाल दो, ताकि आपको मैं हमारे स्पेशल ग्रुप में डाल दूं जो कि हमारा बिटमार्ट का ग्रुप है, जहां पे मैं एयरड्रॉप्स अनाउंस करते रहता हूं और एयरड्रॉप्स देता भी हूं। जिनको एयरड्रॉप का नहीं पता है तो हमारे लास्ट यहां पे एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैंने डाला हुआ है, जो एज ए प्रूफ है कि यहाँ पे रेगुलर हमें एयरड्रॉप मिलते रहते हैं जो हम देते रहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन कि हमारा अभी मीम कॉइन कौन सा सही है, कौन सा ज़्यादा हाइप में है। करंटली आप ट्विटर के ऊपर जाओगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि एक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी शिबा इनू चल रहा है, 10,000 से भी ज़्यादा पोस्ट अभी इस वक्त इसकी डाली गई हैं। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बूम कॉइन मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, इनके अभी मीम्स आ रहे हैं या फिर ग्राफिक्स आ रहे हैं, आर्ट्स आ रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनका जो मेन मकसद है वो सिर्फ आर्ट्स बनाना है। ये जो डार्क फॉर्म्स के नाम से इनका जो एक्स हैंडल है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आई एम आर्ट प्रोड्यूसर डूडल मास्टर, और इन्होंने कई सारी पोस्ट में ये भी डाला था कि कॉइन्स बेचने का इनका कभी भी मकसद ना था और ना ही अभी है। लेकिन जो भी कॉइन हाइप में आता है, मार्केट में हाइप में आते ही क्या कि सडनली वो बिकना शुरू हो जाता है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दे जाता है, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ा था। तो इनके वेबसाइट के ऊपर भी खास कुछ नहीं है, एंड आई थिंक हमें उन अच्छे कॉइन्स के साथ, अच्छे मीम कॉइन्स के साथ जुड़ के रहना चाहिए जो हमेशा स्टेबल रहते हैं या फिर ज़्यादातर ऊपर भी जाते हैं, ना कि नीचे आते हैं, जैसे कि ये बूम कॉइन बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे बात मैं शिबा इनू से ही करूँगा, आपको पता है कि वैल्यू यहाँ पे चल रही है $0.00003 के आसपास चल रही है, तो कोई बहुत बड़ा ड्रॉप भी नहीं आया। मार्केट में अगर हम BTC देखते हैं तो BTC बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, BTC की डोमिनेंस 52.2% पहुंच चुकी है, इथेरियम की डोमिनेंस कम होती जा रही है, लेकिन मार्केट कैप देखें तो $2.63 ट्रिलियन के आसपास चल रहे हैं। इसका मतलब है कि लगातार इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इन्फ्लोज आ रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मीम कॉइन्स भी अच्छे चल रहे हैं या फिर अभी अच्छा स्टेबल होने के साथ साथ प्रॉफिट्स भी दे रहे हैं। लेकिन इसका जो मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो एक तो ये है कि आज के दिन ही एक अपडेट आई है कि मार्जिन पेयर्स डॉज, शिबा, पेपे, बॉम, सुई एंड WLD इन पांचों कॉइन्स के डाले गए हैं, जो कि बाइनेंस के ऊपर ही डाले गए हैं। तो जब भी कोई बाइनेंस के ऊपर अपडेट आती है इन मीम कॉइन्स की, तो एक बहुत ही बढ़िया पंप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक तो मार्जिन पेयर्स ऐड किए गए हैं, ये तो डेफिनेटली है ही है, जिसमें USDC के साथ इनके पेयर्स डाले हैं, क्रॉस मार्जिन में भी और आइसोलेटेड मार्जिन में भी। तो अगर आपको नहीं पता तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब मार्जिन ऐड हो जाती है, क्रॉस मार्जिन एंड आइसोलेटेड मार्जिन, तो अगर जिस किसी ने सिर्फ $10 का ही ट्रेड करना था, वो अभी हो सकता है $1,000 का भी ट्रेड लगाए। जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी पर्टिकुलर कॉइन की, चाहे वो कोई मीम कॉइन ही क्यों नहीं है, उसी से उस कॉइन की हाइप और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यही हम सबसे बड़ा बूम देखने वाले हैं डॉज कॉइन में, शिबा इनू में, वर्ल्ड कॉइन में, इवन बूम कॉइन में भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी अपडेट नहीं है। इसी के साथ जो सबसे बड़ी अपडेट हमें अभी जो देखने को मिली है वो ये कि जो विटेलिक ब्यूट्रिन है उन्होंने एक डोनेशन करी है, जो कि शिबा इनू कॉइन्स में करी है, और उनको ये पूछा गया था कि क्या ये डोनेशन वर्थ भी है या नहीं, कि लगता नहीं है कि ये $600 मिलियन के आसपास की डोनेशन होगी। लेकिन विटेलिक ब्यूट्रिन का यही कहना है कि क्रिप्टो रिलीफ में उन्होंने बहुत सारे शिबा इनू कॉइन्स को एज ए डोनेशन दिया था,
और इनको लगता था कि ये 100 गुना से भी ज्यादा नीचे गिर जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, जिससे क्या था कि वो 600 मिलियन डॉलर सिर्फ 10 या 25 मिलियन डॉलर ही बनना था। लेकिन वो अमाउंट उसके बाद 600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, यानी कि इतना बड़ा अमाउंट बन गया था, कम होने की बजाय ये बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, जिससे क्या कि शिबा इनू में और भी ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ गया और इसमें आपको कुछ टाइम में हाइप देखने को मिलेगी, इसमें प्रॉफिट्स भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लगभग 20% से भी ज़्यादा हमें शिबा इनू में प्रॉफिट मिला है। एंड डॉज कॉइन की अभी हम बात करेंगे कि डॉज कॉइन भी इस वक्त हाइप में क्यों चल रहे हैं। डॉज कॉइन अभी सडनली एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ है, वेल ने शिफ्ट किया 178 मिलियन डॉलर वर्थ का डॉज कॉइन। करंटली डॉज की वैल्यू 0.18 डॉलर के आसपास चल रही है, यानी कि 20 सेंट से थोड़ी कम चल रही है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो है वो 30 सेंट तक की लगाई जा रही है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम 50% का प्रॉफिट हमें यहाँ पे होने वाला है डॉज कॉइन में। तो वेल्स की जब भी एक्टिविटी बढ़ती है, चाहे वो कोई भी कॉइन क्यों ना हो, तो वेल्स की एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ कॉइन भी आउट परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में अगर मैं कुछ कॉइन्स सजेस्ट करना चाहूँ तो इसमें शिबा इनू डेफिनेटली है, कि मीम कॉइन्स जो मीम्स तो हैं लेकिन मीम्स रह नहीं गए हैं, अभी ये बहुत बड़े डिफाई टोकन, एनएफटी टोकन, मेटावर्स टोकन बन चुके हैं। अभी रिसेंटली ही जो बोन के नाम से कॉइन है, शिबा के इकोसिस्टम का ही कॉइन है, उसकी फ्यूचर्स इन परपेचुअल्स में लिस्टिंग हुई है एल बैंक के ऊपर। तो इसका अगेन वही मतलब बनता है कि अभी फ्यूचर्स में इसकी जब ट्रेडिंग होगी तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 50x तक का इनको लेवरेज मिलने वाला है, जिससे डेफिनेटली बोन कॉइन में तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इसी के साथ साथ जो शिबा के इकोसिस्टम में बाकी कॉइन्स आते हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो हमेशा शिबा हाइप में रहा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सबसे ज़्यादा सर्च में शिबा ही किया जा रहा है जब गूगल की बात करी थी। अभी यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी सेकंड मोस्ट सर्च क्रिप्टो अगर कोई है तो वो शिबा ही है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे बिटकॉइन ही है। बिटकॉइन और शिबा का इतना बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ सर्च, और इसी को ही हाइप कहा जाता है। जितनी ज़्यादा हाइप होगी उतना ज़्यादा फोमो क्रिएट होगा, फोमो मतलब उतना ही ज़्यादा यहाँ पे ग्रीड बढ़ेगा कि मुझे इसी प्राइस पे लेना है, जो भी प्राइस मिल रहा है उसी प्राइस पे कॉइन लेना है, कॉइन लेके ताकि वो बड़ा प्रॉफिट अर्न कर पाएं। तो यहाँ पे मैंने आपको दो कॉइन सजेस्ट किए, एक तो डॉज कॉइन की एक्टिविटी को देखते हुए डॉज कॉइन आ गया और शिबा इनू आ गया। एंड बोम कॉइन में मुझे खास यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लग नहीं रहा, लेकिन अगर आप एक लोअर रेंज पे बाय करना चाहते हैं तो शायद ये थोड़ा बहुत यहाँ पे बैक करने का एक सही मौका है, थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि मीम कॉइन्स जो आते हैं या फिर चलते हैं वो स्टार्टिंग में ही अच्छे चलते हैं, ये आपको भी क्लियर होगा। और ये चीज़ आप देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा बिटमार्ट के ऊपर, जहाँ पे मीम्स की कैटेगरी आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा कि कौन से बेस्ट या फिर टॉप मीम कॉइन्स हैं। और नई जब भी यहाँ पे लिस्टिंग आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये एक नया मीम कॉइन लिस्ट होने जा रहा है, तो इसमें अभी से ही आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। जितनी जल्दी आप कॉइन बाय करोगे उतना ही बड़ा आप प्रॉफिट अर्न करोगे। तो ऐसे बहुत ही कम एक्सचेंजेस है जिनके ऊपर ये हमें देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका TDS भी नहीं लगने वाला और टैक्स भी बहुत कम लगेगा। आई होप कि हमें इसी तरीके से सपोर्ट मिलती रहेगी विटैलिक ब्यूटन के द्वारा, जो कि इथेरियम के CEO हैं। एंड बाकी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर ही देने वाला हूँ, वॉफ्ड ऑफिशियल के ऊपर, जहाँ पे ऑलरेडी कैंपेन डाल चुका हूँ मैं। तो अपना जो एयरड्रॉप बनता है वो जल्द से जल्द कलेक्ट कीजिए। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।